एक आध मयंक ने खींचा है फोटो जिसमें मैंने शायद 90 डिग्री के आसपास की विली मार दी थी, देख लीजिए अभी फोटोग्राफ 180 डिग्री। क्या खा रहे हो भाई, क्या खुजा रहे हो यार, ये सब ये क्या हरकत है, कुछ बताओ, चलान कटवा तुम्हारा अंकल, ये लड़के के मैं देखो साउंड देखो इसका, काटो तो 1000 का एक ठो। ये जा रहे बड़े लोग, बदल रहे हो तो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज घर से नहीं सीधे बाइक से स्टार्ट करेंगे अपना ब्लॉग, बिकॉज थोड़ा लेट हो चुकी है और धूप भी आ चुकी है। प्लान ये था कि 6 बजे तक निकल चलेंगे, 5 ज़्यादा तो नहीं, 5-6 मिनट ही लेट हुए, बाकी लोग भी अभी आ रहे हैं, तो बस नेक्सा शोरूम पहुँचते हैं जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट रखा है स्कूबी। तो बस नेक्सा शोरूम तो घर से मतलब 1 मिनट दूर रहता है बस, बाकी तो कोई आया नहीं है, बोल तो रहे थे निकल गए घर से, बट कोई दिख नहीं रहा है, तो चलो बाकी लोग भी आ जाए, वेट कर लेते थोड़ी देर। चला जाए, चलो भाई सारे लेट लतीफ लोग आ चुके हैं, 15 मिनट लग गए इनको पेट्रोल डलवाने, बहुत बड़ी टंकी है, 45-50 लीटर की टंकी है लगभग, हमारे में ही 17 लीटर सिर्फ आ पाता है। मयंक तेरे में कितना आता है, 12-15 लीटर? मेरे? हाँ 11 लीटर। 45 लीटर की टंकी है भाई की, 6:05 का लेगा, 20 मिनट लगे इसको पेट्रोल भरवाने में सुबह सुबह। चलो कोई नहीं, चला जाए, चलो भाई एक नया राइडर हमको टीवीएस वाले राइडर जोड़ गए दूध के कैन के साथ। चल बाय बाय। चलो फाइनली 6:22 पे राइड चालू हो गई है, बुरा नहीं है, ये भी ठीक है, 6:15 का सोचे थे चालू करने के लिए, 5-7 मिनट लेट तो चलता ही है। तो यार सीन कुछ ऐसा बना है, यहाँ से हम लोग जाएंगे नागौद है यहाँ से लगभग 20-22 किलोमीटर, नागौद से लेंगे राइट टर्न, एक रास्ता जाता है कलिंजर के लिए, तो कलिंजर हम लोग नहीं जाएंगे, पहले भी जा चुके हैं, बट रास्ता जो है वो काफ़ी अच्छा है, बीच बीच में थोड़ा सा पहाड़ वहाड़ हल्का बहुत पड़ता है, तो वहाँ पर कुछ फोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह बना के जस्ट वहाँ से वापस आ जाएंगे, तो ओवरऑल मतलब 45-50 किलोमीटर्स की अपनी राइड हो जाएगी। ओ भाई यार ये क्या चल रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम लगता है चालू कर रहे हैं यहाँ पे, लास्ट टाइम आया था तब तो नहीं था, अभी लगता है पूरा उखाड़ दिए, पूरे सतना की लेकिन यही हालत है यार, सब जगह पूरा रोड उखाड़ के कुछ ना कुछ काम चल रहा है। तो भाई अपन जो राइड कर रहे हैं अभी, हम लोग 1 महीने बाद ही राइड हो रही है, बिकॉज 1 महीने से जो उसकी बाइक नहीं थी जबलपुर में थी, सनी लास्ट टाइम आया था तो जबलपुर भेज दिए थे, सर्विस होनी थी इसकी बाइक, और उसने एग्जॉस्ट भी चेंज करा लिया है, AR का एग्जॉस्ट लगा लिया है बाइक पे, सुना दो भाई जरा आवाज़ भी, रेव कर, भयंकर लाउड क्राउड कर रही है यार बाइक, मतलब पहले जो लगा था आई थिंक 11 का लगा था, लॉन्ग कैन रेप्लिका था, ये वाला तो बेहतरीन लग रहा है AR का, और साउंड गजब दे रहा है यार, दूर से ही मतलब पता चल रहा था कि हाँ कोई बाइक आ रही है। अच्छा बढ़िया साउंड आ रहा है यार, अच्छा खासा साउंड आ रहा है, देखते हैं अभी हम लोग जिस रूट पे जा रहे हैं तो वहाँ ज़्यादा खाने पीने के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो सोचे लौटते समय जब सतना आ जाएंगे तो कॉफ़ी हाउस चल सकते हैं, कॉफ़ी हाउस भी सतना का अभी रेनोवेट हुआ है तो वहाँ जाके ब्रेकफास्ट का रख सकते हैं, देन लेट्स सी क्या प्लान बनता है। चलो यार जरा मैं भी खींच के देखूँ,
डाला था, इतना डिफरेंस आता है ना प्रो ऑक्टेन से सही में। तो बस सामने जो आप लोग देख रहे हो नागौद आ गया है, हार्डली 15 मिनट लगे नागौद पहुंचने में। यहाँ से कह लीजिए 15-20 मिनट की और राइड करेंगे आगे जाके, जहाँ थोड़ा घाटी वगैरह चालू हो जाती है वहाँ तक। रुक जाओ भैया, क्या जल्दी है। तो यार हम लोग थोड़ी देर बाद नाश्ता करेंगे, अभी पहले बाइक को ज़रा नाश्ता करा दिया जाए। तो यार गाड़ी की करा दी है पेट पूजा, बस अब चला जाए कलेंजर तरफ निकलते हैं। चलो रोड तो बहुत अच्छी है, मतलब बढ़िया प्लेन है, कुछ अप्स एंड डाउन वगैरह नहीं है। बट एक ही दिक्कत है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाय भैंस आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ट्रैफिक नहीं है, रोड भी खाली है, बट गाय भैंस बैल कुछ ज़्यादा ही है इस रोड पे, तो वो थोड़ा ज़्यादा डेंजरस हो जाता है हम लोग के लिए, बिकॉज लाउड एग्जॉस्ट भी डले हुए हैं, तो उसकी वजह से जानवरों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। कुछ कुछ सारे तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ कुछ को प्रॉब्लम होती है, एकदम से पता नहीं पीछे भागना चालू कर देते हैं और पता नहीं क्या हो जाता है उन लोग को। बस वो थोड़ा देखना पड़ेगा, बाकी तो यार बढ़िया रोड है ये वाली भी, एक्सप्लोर करने लायक है अली रोड भी। ये देखिए अभी बोला ही था और रोड में एकदम से इतने सारे, आराम से निकाल लो बिना ज़्यादा हल्ला किए। ये लो बफलो क्रॉसिंग जा रही है, ज़ीब्रा क्रॉसिंग की जगह बफलो क्रॉसिंग। बस यार ऐसे ही रोड सही है, बस फोर लेन हो जाए तो मज़ा आ जाए ऐसी रोड में। तो यार ये देखिए क्या ही सही जगह लग रही है। कौन है, बंदर है क्या मेरे पीछे? ये जा रहे मंकी। यस बाबा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? गाड़ी आ रही है। राम राम। राम राम भैया। ओ भाई क्या खा रहे हो? ओ मिस्टर क्या खा रहे हो भाई? क्या खुजा रहे हो यार ये सब, ये क्या हरकत है? शर्म वरम है कि नहीं? तो बस यार आगे एक और लोकेशन है, वो भी काफ़ी अच्छी है, तो वहाँ जा रहे हैं, वहाँ भी चल के कुछ फोटोज वीडियोस बना लेते हैं। यहाँ तो बंदर भाई को खुजलाते हुए दिखा दिए। ओहो क्या बात है, अपाचे भी उठ रही है भाई। चलो चला जाए। थोड़ा आराम से चलते हैं यार, बंदर काफी है इस रोड पे, छोटे छोटे भी है बंदर्स। तो यार गलती से मिस्टेक हो गई है, मैंने सोचा था 10-12 किलोमीटर आगे जाके वो पहाड़ वाला जो रास्ता है वो पड़ेगा, पर 10-12 नहीं, उससे थोड़ा ज़्यादा ही है मेरे ख्याल से, 20 किलोमीटर करीबन है। बट चलो देखते हैं, क्रूज कंट्रोल जिंदाबाद। हाँ यार ईवी वाली फीलिंग आ रही है, सही बात है। ये देखिए BMW की सबसे पहली ईवी S1000RR इंडिया में नहीं वर्ल्ड में पहली है ये। बहुत तेज, ये देखिए बिल्कुल भी साउंड नहीं है, जितना भी आप एक्सीलेटर दे दीजिए, देखिए आपको साउंड बिल्कुल सुनने को ही नहीं मिलेगा। पिकअप थोड़ा सा कम है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स थोड़ा बेकार है, बट फिर भी
वर्ल्ड की पहली ईवी है ये, देखिए 50 की स्पीड पे पहुंचे वगैरह अपन, 57, थोड़ा और धक्का देना पड़ेगा, 58 59, 60 भाई, 60 की स्पीड पहुंच चुके हम लोग, 62, और क्या चाहिए यार ईवी की, अब जान लोगे क्या। तो एक स्पॉट ढूंढ लिया गया है फोटो शूट के लिए, और ये लोकेशन बढ़िया शानदार कर्व है, बट ये कि थोड़ा बालू वालू यहाँ पर है तो उसका ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे। और हमारे बीच कैमरामैन मयंक सोनी आ चुके हैं बेहतरीन डीएसएलआर के साथ, अभी देखिए एक एक किलोमीटर लंबे लेंस है इनके पास, यहाँ सीधे सतना तक का फोकस जा सकता है। आपने पॉज लिया था अभी तो मेरे को किसी की याद आ गई। तो यार फोटोज वीडियो सब ले लिए मैंने इन लोग के, इन लोग ने मेरे अच्छे लिए, मैंने इन लोग के लिए, ठीक है। और मैं नहीं भेजूंगा अच्छे वाले। एक आध मयंक ने खींचा है फोटो जिसमें मैंने शायद 90 डिग्री के आसपास की विली मार दी थी, देख लीजिए अभी फोटोग्राफ 180 डिग्री। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, 90 डिग्री 180 सोच ले, 180 में तो रोड पे रहता, 90 या फिर मेरे ख्याल से 89 या 87 के अराउंड हो सकती है, उससे कम तो नहीं थी। तो बस रेडी है सब, जेव साड़ी अड़ी सब पेटीकोट एटीकोट सब पहन लिया है। चलो निकला जाए यार, चलो यार। करीबन एक घंटा यहाँ पर हम लोग रुक गए, गर्मी बढ़ गई है, ये क्या हो गया, टेढ़ा हो गया भाई ये तो, सीधे हो जाओ यार। तो चलो यार चला जाए, कहाँ पे, कहाँ, एक मिनट भाई, तो जेउस को लगा किसी बाइक का नट या कुछ गिर गया, बट बड़ा साइज का था, आई थिंक अलॉय का बोल्ट था वो किसी कार वार का। चलो यार काफ़ी देर हो गई यहाँ पे, ऑलमोस्ट एक घंटा हम लोग रुक लिए, अब निकला जाए और सीधे जाते हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे कॉफ़ी हाउस में, बाय बाय भैया। तो यार मेरे को थोड़ा सा बाइक खींचने का मन किया था तो मैं तो खींच दिया, ये लोग पता नहीं अभी कहाँ रह गए, आ रहे जी उसकी अब आवाज़ आ रही है सेना में, जाओ निकलते चलो। तो यार अभी जो टाइम है 9:12 हुए और ऐसी तैसी हो रही है गर्मी में, मतलब जो पैर है ऐसा लग रहा है इंजन के पास इतना गर्म हवा है, ऐसा लग रहा है तंदूर के पास जो पैर रखे, मतलब लिटरली बता रहा हूँ जल रहा है पैर, अगर चीज़ नहीं है शॉर्ट्स या कोई कुछ पहन के चला रहा हो ना, लाल एकदम पका हुआ पैर मिलेगा, बहुत गर्मी हो गई यार, मतलब 9 बैंड बज रही है। बट चलो कोई नहीं, सतना मुश्किल से यहाँ से 10 का 10-15 का रास्ता है, 10-15 पहुँच जाएगी सतना। बताओ चलान कटवा तुम्हारा अंकल, ये लड़के के मैं देखो साउंड देखो इसका, काटो तो 1000 का एक ठो, चल बाय। ये मूड हुआ फटी में निकाले जेहूज। लाउड तो मेरा ही निकला यार सबसे ज्यादा, फिर अंकल बाद में कभी काटना, आज नहीं। ये जा रहे बड़े लोग, बदल रहे हो
जल्दी बताओ बदलना है क्या? पहुंच गया हूँ लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी है, नेक्स्ट राइड मुझे नहीं लगता कि अब 6 बजे की हो पाएगी। 5 बजे सुबह तक अगर निकलते हैं तो करेंगे नेक्स्ट राइड, अदरवाइज़ फिर देखते हैं शाम का या फिर कुछ और वीडियो आएगा। राइड का तो पॉसिबल ही अब नहीं है वीडियो बनाना, बिकॉज बहुत गर्मी हो गई है। चलो मिलता है आप लोग से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।